प्रारंभ में मैंने कहा था कि आप सबके सामने बातचीत रखने का एक ही हेतु है, आपके मन में संघ को जानने की जिज्ञासा है, संघ के विचार के प्रति एक कहीं ना कहीं आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, स्वीकार्यता का भाव है और उस भाव से ही आप यहां पर आए हैं और इसीलिए केवल मैं संघ बताने का प्रयास करूंगा और वो मैंने आपके सामने रखा। संघ के संस्थापक, संघ की कार्य पद्धति, संघ का विचार, संघ का स्वरूप, संघ का लक्ष्य और बात के समय के अंदर आप सब लोगों ने अनेक विषयों के ऊपर संघ की भूमिका ये भी पूछी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में जो परिवर्तन लाना चाहता है उसका हमारा मार्ग क्या है? संघ में जितने भी स्वयंसेवक बनते हैं हम उनसे तीन अपेक्षाएं करते हैं। एक हमारी अपेक्षा रहती है कि आप अपने जीवन के अंदर वो काम करिए जो आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं। अगर आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं और आपके जीवन में नहीं है तो आपको अपेक्षा करने का अधिकार ये नहीं। हमारे अपने स्वयंसेवकों से अपेक्षा रहती है स्वदेशी, समरसता जिसको हमने कहा जाति के अहंकार से ऊपर उठकर सोचना, सादगी, स्वयंसेवक के जीवन में फिजूल खर्ची दिखावा नहीं चाहिए, स्वयंसेवक के जीवन के अंदर देश समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का भाव, एक सेंस ऑफ सिविक सेंस जिसको कहते हैं, एक नागरिक कानूनों का पालन करने का भाव, ये सब बातें उसके जीवन के अंदर दिखाई देनी चाहिए। दूसरी हमारी अपने स्वयंसेवक से अपेक्षा रहती है कि समाज में हम और वो अलग नहीं है, ये संघ है, ये संघ से बाहर है, ऐसा नहीं है। संघ ने स्वयंसेवक का भाव ऐसा चाहिए पूरे समाज के साथ मिलकर चलना, हम समाज को साथ लेकर नहीं चलना चाहते, हम समाज के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। कहीं पर अच्छा काम हो रहा हो तो उस अच्छे काम में हमको भागीदारी करनी चाहिए, उसमें हमको सहयोग करना चाहिए। संघ को संस्था नहीं बनना, संघ को ब्रांड नहीं बनना, संघ एक संघी एक अलग ब्रांड नहीं बनना चाहिए, संघ का एक अलग गुट नहीं बनना चाहिए, यह हमारी कल्पना है। तीसरी हमारी अपने स्वयंसेवक से अपेक्षा रहती है कि संघ का स्वयंसेवक अपने जीवन में कम से कम अपने 24 घंटे में से घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, सप्ताह में से एक आधा दिन अपनी आय में से कुछ पैसा समाज के उस काम के लिए लगाए जिसके बदले उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, निस्वार्थ भाव से करें। फिर अपनी रुचि प्रकृति के हिसाब से शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य कहीं भी काम कर सकता है। कुछ लोग संघ का काम करते हैं, संघ के काम को बढ़ाने का काम करते हैं। हजारों स्वयंसेवकों ने समाज को साथ लेकर 36 से ज्यादा संगठन, 500 से ज्यादा संस्थाओं के माध्यम से, मैंने आपको कहा 1,00,000 से ज्यादा ऐसे शिक्षा सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से समाज में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारा मानना है कि समाज में ये शिक्षा, संस्कार, ग्राम विकास, गो सेवा, पर्यावरण, ये सारे प्रश्न हैं, ये अकेले हमारे द्वारा होने वाले नहीं है। इसीलिए हमने सज्जन शक्ति जागरण का काम प्रारंभ किया है। सामाजिक क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोगों के साथ बैठना, आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठना, धीरे धीरे काम करने वाले छोटे छोटे समूह खड़े करना, हमारी कल्पना यह है कि समाज में पर्यावरण समाज का आंदोलन बनना चाहिए, गो सेवा ग्राम विकास समाज का आंदोलन बनना चाहिए, समरसता यह समाज का एक बड़ा आंदोलन बनना चाहिए, परिवारों की संस्कार व्यवस्था एक समाज का बड़ा जन आंदोलन बनकर खड़ा होना चाहिए, समाज के एक एक प्रश्न का समाधान समाज के साथ मिलकर करना, प्रश्न को चुनो, टीम बनाओ, काम शुरू करो। हमारे कुछ स्वयंसेवकों ने थोड़े दिन पहले विचार किया देश में अंधता निवारण एक काम हो सकता है। देश के अंदर 40,00,000 लोग ऐसे हैं जो कॉर्निया ब्लाइंडनेस के कारण से पीड़ित हैं, केवल उनको कॉर्निया मिल जाए तो देख सकते हैं। 1,00,00,000 से ज्यादा लोग हर वर्ष मृत्यु प्राप्त करते हैं, उनकी आंखें 2 लोगों को कॉर्निया दे सकती हैं। हम 10 साल में भारत में 40,00,000 लोगों को आंख दे सकते हैं। लोगों ने काम्बा करके एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, उस काम्बा के माध्यम से जो काम प्रारंभ हुआ, 6 जिले उन्होंने प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिए, अभी 30 जिले लेकर चले। मैं करनाल जिले में हरियाणा के गया था, उन्होंने उस पूरे जिले को अंधता मुक्त करके वो आज कॉर्निया देने वाला जिला बनकर खड़ा हो गया। 600 लोगों को उन्होंने वहां पर कॉर्निया से मुक्त किया। ये संघ के नाम पे नहीं, वो काम्बा के नाम पर हमने डॉक्टरों को जोड़ा, सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा, लोगों को जोड़ा। अपने क्षेत्र के अंदर भी एक एक समस्या चुनो, उसके साथ एक टीम बनाओ और उसको लेकर समाधान में जुट जाओ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐसा मानना है कि पूरा समाज अपनी शक्ति को पहचाने,
सरकार की ओर हर समय देखने की हमारी भावना ये समाप्त होनी चाहिए। सरकार के पास बहुत सीमित साधन हैं, सरकार की बहुत सीमित क्षमताएं हैं। सरकार का काम कानून व्यवस्था सुरक्षा समाज में सुव्यवस्था रहे इसके लिए प्रयास करना है। समाज के प्रश्नों का समाधान समाज के द्वारा हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है इस परम वैभव की प्राप्ति का मार्ग जो है ये समाज परिवर्तन एक समाज का बड़ा जन आंदोलन बने। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये जो अभिनव कार्य 94 साल पहले प्रारंभ हुआ था आज सारे समाज के सद्भाव को साथ लेकर समाज के नेतृत्व के अंदर आने वाले 20-25 वर्षों के अंदर हम जैसा भारत चाहते हैं अपनी आंखों के सामने वो बनते हुए देख सकें इसके लिए संकल्पित होकर आप सब लोग भी संघ के साथ जुड़ें ऐसा अनुरोध करके और आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करके इस समय मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।